पशु संवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीड़ा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार के प्रयासों से पिछले साल से पशुओं पर आए लंपी रोग के कारण उनकी बिक्री और परिवहन पर लगी पाबंदी हटने से किसानों दूध व्यवसायियों में उत्साह का वातावरण निर्माण है। साल भर से लगे प्रतिबंध के कारण किसानों में असंतोष व्याप्त होकर मजबूरी में अपने पशु धन की औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर थे। वहीं पशु बाजार भी बंद पड़े होने से पशुधन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी और इस व्यवसाय पर निर्भरकों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा था। क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री सुनील केदार द्वारा नागपुर जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर से भेंट कर नागपुर जिले में पशुधन बिक्री और परिवहन पर लगी रोक हटवाने में अहम भूमिका निभाने की बात नागपुर जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे पत्र परिषद में कही। पशुधन बिक्री और परिवहन पर लगी रोक कुछ शर्तों पर शुरू करने से किसान भाइयों में उत्साह का वातावरण निर्माण होने की बात इस अवसर पर कही। साथ ही पशुधन पर लगी रोक हटने से जिले के सभी पशु बाजारों में रौनक वापस लौट आई है और पशुधन की बिक्री होने से आर्थिक लाभ होने की बात इस अवसर पर पत्र परिषद में कही। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य गोविंद ठाकरे, सामनेर कलमेश्वर तालुका युवक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश खंगारे, तालुका के सरपंच अमोल केने, अशोक डबरे, युवा समाज सेवी श्रीजय देशमुख सावनेर आदि सहित असंख्य किसान भाई प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ये जो लंपी का जो प्रादुर्भाव जिले में और पूरे महाराष्ट्र में जो था, तो नागपुर जिला परिषद में नागपुर जिले के अंदर में जो लसीकरण का जो कार्यक्रम था, लंपी का जो प्रतिबंधक जो लस है वो सितंबर अक्टूबर महीने में 50% देना हो गया था और उसके बाद में जो लंपी का जो प्रभाव हुआ है वो था, लेकिन वो बहुत कम प्रमाण में था। जिन जानवरों को लसीकरण जिन जानवरों का जो हुआ था उन्हीं के ऊपर कोई उसका असर नहीं हुआ, लेकिन जो बाकी जानवर थे उनका थोड़े बहुत असर वहाँ पर जिले में देखने के लिए आया। लेकिन अभी तक के 98% लसीकरण जिले के अंदर पूरा हुआ है। लगत में अपने मध्य प्रदेश में भी लंपी थी, लेकिन वहाँ के बाजार, वहाँ पे जो बैल बाजार है, जो जानवरों के बाजार है वो बंद नहीं थे और महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर अक्टूबर में महीने में वो पूरे जो बाजार है बैल के और जो भैंस के जो बाजार है वो सब टोटली बंद कर दिए थे, जिनके कारण किसानों का बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान भोगना पड़ा। अगर 2 महीने पहले अगर ये बाजार अगर चालू हो जाते 28 शर्ती के ऊपर में, तो ये किसानों को, जिले के किसानों को उसका बहुत बड़ा दिलासा होता था। लेकिन उसमें जो दूध व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, किसान लोग हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2-3 महीने पहले अगर 28 शर्ती पर बाजार चालू अगर रहता तो वो किसानों का इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा घाटा उनका अगर होता नहीं। जो भैंस की कीमत, मुरा भैंस की कीमत 80,000 के करीब करीब थी, तो वो 60,000 में बेची गई उस टाइम में। वो बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा घाटा किसानों को उसका भुगतना पड़ा। और आज जो केदार साहब के प्रयासों से ये कलेक्टर में कल मीटिंग हुई, वहाँ पे कम से कम 50-60 किसान वहाँ पे उपस्थित थे। कुछ दूध का व्यवसाय करने वाले भी वहाँ पे किसान थे, व्यापारी जो व्यापार करते दूध का, और उन्हीं के समक्ष में जो कलेक्टर साहब के सामने केदार साहब ने किसानों का, जानवरों का प्रश्न रखा। उसके बाद में कलेक्टर साहब ने ताबड़तोड़ निर्णय लिया और जो प्रतिबंध जो है वो शासन के निर्देश के अनुसार वो हटाया, और जिसके कारण पूरे जिले में एक किसानों में जो उत्साह है वो आनंद है, क्योंकि अब उनकी खरीदी बिक्री कल से वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुई और जैसे भी बाजार अब खुलेंगे तो बाजारों में एक आनंद का उस वातावरण। और केदार साहब के प्रति जो किसानों में भावना है कि सुनील केदार साहब एक किसानों के नेता है और उन्हीं ने उनके प्रति जो किसानों को न्याय देना था वो न्याय देने का काम उन्होंने जो यहाँ पे किया है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो पट का जो बैलगाड़ा शर्यत का जो प्रलंबित जो प्रश्न था, तो केदार साहब ने वहाँ पर दिल्ली में लगातार पाठपुरा करके, वो जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने वो प्रश्न को सवाल किया, जिसके कारण पूरे महाराष्ट्र में एक आनंद का वातावरण, बहुत जगह पे उनका पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत जगह पे सत्कार हुआ। और हमने भी मतदार संघ में, साहब के मतदार संघ में तेलगांव में बहुत बड़ा पट का आयोजन किया था, जिस बड़े पैमाने पे वहाँ पे किसानों ने वहाँ पे से भाग लिया था उस जो बैलगाड़ा शर्यत में, और जिनके कारण जो किसान है एक अलग ही उत्साह का वातावरण उनको उस टाइम में देखने को मिला। और केदार साहब जो जमीनी के नेता है, किसानों का जो सुख दुख दर्द जानते हैं, वो एक ही नेता है कि
जो बैल बाजार जो बंद हुए थे तो उन्हीं के खिलाफ में मीटिंग लगाने वाले और या कलेक्टर के पास में निवेदन देने वाले वो पहले जिले में नेता है, जिले के कारण किसानों को न्याय यहाँ पे मिला है। NBCN न्यूज के लिए सावनेर से संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।